नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिक मीडिया। दोस्तों, अभ्यास मैच में आया रोहित शर्मा का तूफान, जिसे देखकर पाकिस्तान टीम है हैरान। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी, आइए बताते हैं आपको इस वीडियो में। तो अगर आप भी रोहित के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में अपने दूसरे वार्म अप मुकाबले में टीम इंडिया का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से रहा। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। टीम इंडिया के लिए रोहित शर्मा इस मैच में कप्तान की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि विराट कोहली को आराम दिया गया है। टीम इंडिया की ओर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वार्मअप मैच में 3 खिलाड़ी को आराम दिया गया है। विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को आराम दिया गया है। इन तीनों प्लेयर्स ने इंग्लैंड के खिलाफ वार्मअप मुकाबला खेला था और 200 लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को रोहित शर्मा और केएल राहुल की सलामी जोड़ी ने एक मजबूत शुरुआत दिलाई। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 68 रन जोड़े। राहुल हालांकि 39 रन बनाकर आउट हुए। रोहित शर्मा 60 रन बनाकर रिटायर हर्ट आउट हुए, जबकि सूर्य कुमार यादव 38 और हार्दिक पांड्या 14 बनाकर नाबाद रहे और बिना कोई अतिरिक्त विकेट गंवाए मैच को अपने नाम कर लिया। रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 36 गेंदों में चौके के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। यह अभ्यास मैच है तो रोहित ने 60 रन की पारी खेलने के बाद खुद को रिटायर आउट करते हुए हार्दिक पांड्या को बल्लेबाजी के लिए भेज दिया। रोहित शर्मा और हर्षद कुमार यादव ने पैट कमिंस के तीसरे ओवर में 2 छक्के लगाए और कुल 14 रन बटोरे। 15वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 127/1। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा 60 और सूर्य कुमार यादव 27। दोस्तों, यह देखने के बाद पूरा पाकिस्तान का मीडिया परेशान हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के कई चैनलों पर ऐसा बताया जा रहा है कि रोहित की पारी देखकर पाकिस्तान को सुधर जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान टीम पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ खेल रही है और 200 यहाँ पर अकेले ही, ऐसे में पाकिस्तान को भारत हरा भी देगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इंडिया पाकिस्तान में कौन सा जीतेगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।